हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तन्वी की रसोई में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बनाएंगे मटर का निमोना, बिल्कुल गांव की तरह दोस्तों। बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही जल्दी बनेगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसके लिए ले लिया है आलू और मटर। आलू को मैंने कट करके धुल लिया है और मटर को हम दरदरा पीसेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से एक मिक्सर ले लिया है, इसमें दरदरा हम पीस लेंगे, इसमें ज़्यादा महीन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसे डाल के पीस लेंगे दरदरा। और अब हम इसे पीस लेंगे इस तरीके से, चलाते हुए हमें इसे पीस लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने मटर को पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक, अदरक लहसुन की पत्ती, 6 से 7 लहसुन की पत्ती ले लिया है मैंने, और धनिया की पत्ती, और हरी मिर्च ले लिया है मैंने, 2 से 3 हरी मिर्च ले लिया है। और अब हम इन मसालों को मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे बढ़िया से, बिल्कुल बारीक से पीस लेंगे। तो हम धनिया को और लहसुन की पत्ती को, अदरक को, सभी चीज़ों को हम काट के इसमें मिक्सी के जार में डाल देंगे। धनिया को मैंने इसी तरीके से डाल दिया है और लहसुन की पत्ती को हम थोड़ा सा छोटा छोटा करेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने अदरक और मिर्च को डाल दिया है। अभी हम लहसुन की पत्ती को भी इस तरीके से कट करके डालेंगे। तो आप देख सकते हो लहसुन की पत्ती को मैंने काट लिया है और अब हम इसे बिल्कुल बढ़िया से पीस लेंगे। मैंने 2 चम्मच पानी डाल दिया था इसमें। तो ये देखिए, इसे मैंने बिल्कुल महीन पीस लिया है, आप देख सकते हो। और इसे रखेंगे साइड में। और इधर मैंने गैस पर रख दी कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कोहड़ौरी इस तरीके से मैंने। इससे टेस्ट निमोना का बहुत ही बढ़िया लगता है, मतलब ये निमोना में डालने वाली बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कोहड़ौरी। अगर आपके पास ये ना हो तो आप अदरक लहसुन और हरी मिर्च को पीस के डाल सकते हो। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरी मटर जो हमने दरदरा पीस के रखा है, इस तरीके से डाल दिया है मैंने। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए भून लेंगे। इसे बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। और कुछ मटर को मैंने ऐसे ही खड़ा रखा है। तो इसी तरीके से हम इसे मटर को डाल के अच्छी तरीके से इसे भून लेंगे। हमें इसे बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है दोस्तों, तभी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। लगातार इसे हम भूनते जाएंगे ताकि इसमें से एक सोंधी सोंधी खुशबू आने लगे, जब तभी हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो इसी तरीके से हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। आप जितना अच्छे से इसे भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट बढ़िया लगेगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने कट करके रखा था धुल के, इस तरीके से मैंने डाल दिया है। और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हम इसे भून लेंगे। 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से लगातार भूनते रहना है दोस्तों। और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। और अगर आप निमोना को लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से हम लगातार चलाते रहेंगे। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है और मैं उसी में बना रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में निमोना बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से हमें चलाते हुए लगातार इसे भून लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हरे मसाले जो हमने पीस के रखा है, उसे इस तरीके से डाल देंगे। सारे मसाले हम डाल देंगे। तो अच्छी तरीके से इसे मिक्स करते हुए हमें इसे भून लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हो, पर टमाटर का टेस्ट इसमें कम अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने टमाटर नहीं डाला है। मैं टमाटर निमोना में कभी भी नहीं डालती, क्योंकि निमोना ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। कुछ मसाले मतलब हल्दी पाउडर डालेंगे बस, और
बिल्कुल थोड़ा सा धनिया पाउडर, और अब हम इसे भी मिक्स करते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है। तो अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। तो इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है पानी डालने के बाद। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि निमोना ज़्यादा गाढ़ा नहीं अच्छा लगता है दोस्तों, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इस तरीके से। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कलछी की हेल्प से। तो अब हम इसे ढक के करीब 10 से 15 मिनट तक इसे पकाएंगे। इस अच्छी तरीके से पकाना है इसे। तो आप देख सकते हो मैंने इसे बीच में खोला है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक रहा है। इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से चलाएंगे। अभी मैं एक आलू को इस तरीके से चेक कर रही थी, तो अभी ये थोड़ा सा और पकेगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसे ढक के बहुत ही अच्छी तरीके से पका लिया है। तो अब हम इसे निकालेंगे अलग बर्तन में। इस तरीके से सारे निमोना को हम निकाल लेंगे। और इस तरीके से अगर आप निमोना बनाएंगे तो आपके निमोना बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।